गीता मालिक जी से हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या प्रस्तुति दी और किस तरह से ये प्रस्तुति रही। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? मेरे ग्रुप में हम अभी तो आए हैं 7 जने हम लोग हैं और सब अच्छे अच्छे डांसर हैं, बहुत प्रोफेशनल है। और मैं अभी फरवरी 28 को मैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया रसिया जा रही हूँ। रसिया से इनविटेशन आया है फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए और हम लोग जा रहे ऑल टुगेदर 11 जने जा रहे हैं। 11 आगरा में पहले भी कभी आए थे क्या? मैं पहले भी आई थी, कई सालों पहले आई थी और उसी समय मैंने सोलो दिया था ताज महोत्सव में, लेकिन इस बार मुझे मौका मिला है, मेरे अपना ग्रुप को लेके मैंने आई हूँ यहाँ पे मेरा नृत्य प्रदर्शन करने के लिए। ऐसे इसलिए मैं ताज समिति की बहुत आभारी हूँ कि मुझे। इसमें अभी रावण के रूप में आतंकवाद है, तो अभी पुलवामा में आतंकी अटैक हुआ जिसमें हमारे 42 जो सैनिक हैं शहीद हुए, तो उनके लिए आप क्या चाहेंगे, आतंकवाद को किस तरह से ख़त्म किया जा सके? एक तो आतंकवादी जो है वो जैसे कहते हैं ना, एक आतंकवादी को हम ख़त्म करते हैं तो और पैदा हो जाते हैं। तो हमारे देश में जो आतंकवादी का जो फैला हुआ है वो बहुत बहुत दुखजनक भी है और इतने हमारे सैनिक जो हमारे लिए सबके लिए युद्ध कर रहे हैं उन लोग को वो ख़त्म कर देते हैं। ये तो हमारे, मैं चाहती हूँ कि भारत सरकार, वो भारत सरकार कर ही भी रहे हैं तो उन्हीं को किसी उपाय में आतंकवादी को ख़त्म करना चाहिए और उसी के लिए हम सबका भी उसी में अवदान रहना चाहिए। जो भार हम कहेंगे कि सरकार ख़त्म करेगी, नहीं, हमारे बीच में भी आतंकवादी रहते हैं। एक तरफ वो आतंकवादी होते हैं अंदर और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, तो उन्हीं को हम जड़ से निकाल के फेंक देना चाहिए, ये मेरी आशा है। और मेरी ये, वहाँ के लोग विरोध करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं वहाँ के लोगों? उनके लिए ये संदेश देना चाहती हूँ मैं, वो कश्मीर में रहते हैं, वो कहते हैं हम कश्मीर भारत की नहीं है, लेकिन ये उनके जो जो मनोभाव है वो उनको ज़रूर उनको चेंज करना चाहिए। कश्मीर तो भारत की है, ये कहते, कभी पाकिस्तान कहते कि ये हमारा है, लेकिन कश्मीर तो हमारे है और भारत की है और भारत सरकार उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जब उनसे हमने आतंकवाद को लेकर के बात की तो उनका कहना है कि आतंकवाद सिर्फ सरकार ही नहीं मिटा सकती है, लोगों को भी इसके लिए आगे आना पड़ेगा। ईटीवी के लिए आगरा से श्यामवीर सिंह।